नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग नया MIUI थीम्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर ये सभी थीम को जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। सभी थीम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को जो है डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है इस थीम को जो है अप्लाई किया है। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है सैमसंग वन UI का जो आइकॉन पैक है देखने को मिलेगा। थीम को अप्लाई करने के बाद जो फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थीम यहाँ पर अप्लाई हो गया है इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, क्लॉक विजेट्स का ऑप्शन है, आइकॉन पैक देख सकते हो। यहाँ पर सैमसंग वन UI का जो आइकॉन पैक है देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया है, सभी आइकॉन के साथ काम करता है। यहाँ पर डायलर, मैसेज, थीम, सेटिंग्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर, गैलरी, कैमरा, वेदर सभी के साथ काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर सरस भर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आइकॉन के साथ भी चेंजेस नहीं है। डायलर की अगर बात करें, यहाँ पर डायलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है, देख सकते हो। यहाँ पर डायलर के साथ जो है कीपैड, रिसेंट एंड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। एक्चुअली जो ऑप्शन है एक्चुअली काम नहीं करता है, कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कोई भी चेंजेस को अभी फिलहाल हमने नोटिस नहीं किया है। वॉल्यूम पैनल के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है, यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन जो है देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू के ऊपर आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर कोई भी चेंजेस को हमने नोटिस नहीं किया है, सेम आइकॉन देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन UI की बात करें, पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है चेंजेस है, पर बैटरी पार्सेंटेज देखने को मिलेगा। पर डायलर का ऑप्शन है, कैमरा आइकॉन है, प्लस यहाँ पर जो है डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी बढ़िया है। काफी मिनिमल लॉक स्क्रीन UI जो है देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। एनीवे, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। तो उसके बाद जो है इस थीम को सिंपली यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद जो फोन को रीस्टार्ट करना होगा। एंड ये सभी जो थीम है MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, MIUI का जो 15 जो कि हाइपर OS है उसके साथ भी काम कर जाएगा, सभी रेडमी पोको डिवाइस के साथ। एंड सभी थीम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है, थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा, काफी डिफरेंट एंड यूनिक वॉलपेपर देखने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर इस थीम के साथ जो है आइकॉन भी देख सकते हो, काफी बढ़िया है। एंड कुछ इस तरह से जो है आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिक्सल जैसा जो है आइकॉन को ऐड किया गया है। यहाँ पर कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, कैमरा, डायलर, मैसेजिंग, सेटिंग्स आइकॉन एंड इस सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस एंड्रॉयड 14 का जो वेदर विजेट्स एंड क्लॉक विजेट्स को भी ऐड किया गया है। ब्लूटूथ आइकॉन, बैटरी बार के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो म्यूट आइकॉन है, म्यूट आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इवन जो कंट्रोल सेंटर है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वाईफाई आइकॉन है, ब्लूटूथ आइकॉन है, प्लस मोबाइल डेटा, ब्राइटनेस आइकॉन भी देख सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ चेंजेस है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन आइकॉन, रीडिंग मोड, हॉटस्पॉट, म्यूट सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है काफी बढ़िया है। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ पर वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल का जो UI है चेंज हो गया है। प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर जो है मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेगा। इवन जो डायलर है, डायलर के साथ भी यहाँ पर जो कुछ इस तरह से डायलर पैड के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, पर सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जो सेटिंग्स मेनू है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, देख सकते हो। यहाँ पर एक एक आइकॉन जो है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन देख सकते हो, ब्राइटनेस बार भी देख सकते हो, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा सभी आइकॉन के साथ जो है काफी बढ़िया जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन UI की अगर बात करें, कुछ इस तरह से जो है पर मिनिमल कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है
मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली आप जिस थीम को ट्राई करके देखो काफी बढ़िया जो है आइकॉन के साथ साथ कंट्रोल सेंटर एंड सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, सिंपली ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं, थीम को अप्लाई करने के बाद डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। थीम जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया इस थीम के साथ, जो सबसे पहले जो है सरसबर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, बैटरी बार के साथ चेंजेस है, इवन जो विजेट्स है यहाँ पर विजेट्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, काफी डिफरेंट विजेट्स को ऐड किया गया है, इवन जो आइकॉन है पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से जो है आइकॉन को ऐड किया गया है, देख सकते हो सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल गया है इस थीम के साथ, जो काफी डिफरेंट एंड यूनिक आइकॉन को ऐड किया गया है। डायलर की अगर बात करें पर डायलर के साथ भी यहाँ पर जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, जो डायलर का जो यूआई है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वॉल्यूम पैनल के साथ भी इस तरह से चेंजेस देखने को मिल गया है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस है, सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर यूआई देखने को मिल गया है, यहाँ पर एमआईयूआई 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है, यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरह से है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिवाइस के ऊपर रीस्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है डिवाइस को हमने रिबूट किया है, रिबूट करने के बाद कुछ इस तरह से जो है आइकॉन देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के यूआई देख सकते हो, यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, मोबाइल डेटा, बैटरी परसेंटेज, वॉल्यूम पैनल के साथ चेंजेस है, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, इवन हॉटस्पॉट, रीडिंग मोड, म्यूट, डार्क मोड, सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड सेटिंग्स मेनू भी काफी बढ़िया है। अगर बात करें यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन यूआई के बारे में, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई के ऊपर जो है कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पर डायलर का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है, इस तरह से जो है एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो नेविगेशन पैनल है इसमें डबल टैप करके जो है आप अलग अलग कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर वेदर विजार्ड्स, एनालॉग क्लॉक को ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लॉक स्क्रीन यूआई भी देखने को मिलता है इस थीम के साथ। आपको एज थीम है कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, सिंपली इस थीम को अप्लाई करते हैं, एज थीम है यहाँ पर जो है अप्लाई हो गया है, एंड इस थीम के साथ जो है सरसबर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन, बैटरी बार के साथ चेंजेस है, यहाँ पर वेदर विजेट्स को भी ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है इस तरह से वेदर विजेट्स, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, वॉलपेपर भी देख सकते हो, यहाँ पर आइकॉन भी देख पाओगे, कुछ इस तरह से जो है आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेगा, इस थीम के साथ आपको आइकॉन पैक कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करना। एंड डायलर की अगर बात करें पर डायलर के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है पर मिनिमल चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एमआईयूआई 14 के साथ जो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है इसके साथ हमने कोई भी चेंजेस को नहीं किया, नोटिस नहीं किया है। प्लस यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी आइकॉन को ऐड किया गया है। एंड एमआईयूआई 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ, यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, मोबाइल डेटा, डार्क मोड, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। लॉक स्क्रीन यूआई की अगर बात करें, जिस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है, काफी मिनिमल यूआई देखने को मिलता है यहाँ पर जो है, इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है, यहाँ पर एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। एंड इस तरह से जो है अलग अलग लॉक स्क्रीन यूआई के साथ जो है मिनिमल ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, तो ये जो थीम है आप इस थीम को जरूर से ट्राई करके देखना, आपके डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 14 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो इस थीम को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है, काफी बढ़िया थीम है, देख सकते हो पर वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, पर क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है, पर वॉलपेपर भी देख सकते हो काफी बढ़िया है, इवन जो आइकॉन है वो भी मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया लगा है, काफी डिफरेंट एंड यूनिक आइकॉन देखने को मिल जाएगा, पर गैलरी प्लस नोट्स, थीम, सेटिंग, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस काफी बढ़िया है, इवन ब्लूटूथ आइकॉन के साथ चेंजेस है, कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, वाईफाई आइकॉन प्लस यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी जो आइकॉन है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर
नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन यूआई की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग क्लॉक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप जो इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।